भारत का संविधान भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद अध्याय 1 वित्त साधारण निर्वचन अनुच्छेद 264। इस भाग में वित्त आयोग से अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 265 कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित संग्रहित किया जाएगा अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखें। अनुच्छेद 266(1) अनुच्छेद 266(1) अनुच्छेद 267 के उपबंधों के तथा कुछ करों और शुल्कों के शुद्ध आगम पूर्णतः या भागतः राज्यों को सौंपे दिए जाने के संबंध में इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राज हुंडियां निर्गमित करके उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी जो भारत की संचित निधि के नाम से ज्ञात होगी तथा किसी राज्य सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राज हुंडियां निर्गमित करके उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी जो राज्य की संचित निधि के नाम से ज्ञात होगी। 2. भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियां यथास्थिति भारत के लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में जमा की जाएंगी। 3. भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि में से कोई धनराशियां विधि के अनुसार तथा इस संविधान में उपबंधित परियोजनों के लिए और रीति से ही विनियोजित की जाएंगी अन्यथा नहीं। आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 267 एक संसद विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी जो भारत की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएंगी और अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन संसद द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राष्ट्रपति को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के व्यानाधीन रखी जाएगी। 2. राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएंगी और अनवेक्षित व्यय की अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि
में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राज्यपाल को समर्थन समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राज्य के राज्यपाल के व्यनाधीन रखी जाएगी। संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण, अनुच्छेद 268। संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, अनुच्छेद 268-1। ऐसे स्टाम्प शुल्क तथा औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसे उत्पाद शुल्क जो संघ सूची में वर्णित हैं भारत सरकार द्वारा उद्गृहित किए जाएंगे किंतु का उस दशा में जिसमें ऐसे शुल्क संघ राज्य क्षेत्र के भीतर उद्ग्रह ग्रहणीय हैं भारत सरकार द्वारा और ख अन्य दशाओं में जिन जिन राज्यों के भीतर ऐसे शुल्क उद्ग्रहणीय हैं उन उन राज्यों द्वारा संग्रहित किए जाएंगे। दो, किसी राज्य के भीतर उद्ग्रहणीय किसी ऐसे शुल्क के किसी वित्तीय वर्ष में आगम भारत की संचित निधि के भाग नहीं होंगे किंतु उस राज्य को सौंप दिए जाएंगे। अनुच्छेद 268 का संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले और संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाला सेवा कर, अनुच्छेद 268 का एक, सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित किए जाएंगे और ऐसा कर खंडों के उपबंधित रीति से भारत सरकार तथा राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाएगा। दो, किसी वित्तीय वर्ष में खंड एक के उपबंध के अनुसार उद्ग्रहित ऐसे किसी कर के आगमों का भारत सरकार और राज्यों द्वारा संग्रहण, ख भारत सरकार और राज्यों द्वारा विनियोजन संग्रहण और विनियोजन के ऐसे सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा जिन्हें संसद विधि द्वारा बनाए। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, अनुच्छेद 269 एक, माल के क्रय या विक्रय पर कर और माल के प्रेषण पर कर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाएंगे किंतु खंड दो के उपबंधित रीति से राज्यों को 1 अप्रैल 1996 को या उसके पश्चात सौंप दिए जाएंगे या सौंप दिए गए समझे जाएंगे। स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए, का माल के क्रय या विक्रय पर कर पद से समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर अभिप्रेत है जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है। ख माल के प्रेषण पर कर पद से माल के प्रेषण पर चाहे प्रेषण उसके करने वाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किया गया हो उस दशा में कर अभिप्रेत है जिसमें ऐसा प्रेषण अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है। दो, किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे कर के शुद्ध आगम वहां तक के सिवाय जहां तक वे आगम संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुए आगम माने जा सकते हैं भारत की संचित निधि के भाग नहीं होंगे किंतु उन राज्यों को सौंप दिए जाएंगे जिनके भीतर वह कर उस वर्ष में उद्ग्रहणीय हैं और वितरण के ऐसे सिद्धांतों के अनुसार जो संसद विधि द्वारा बनाए उन राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे। तीन, संसद यह अवधारित करने के लिए कि माल का क्रय या विक्रय या प्रेषण कब अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है विधि द्वारा सिद्धांत
बना सकेगी। अनुच्छेद 270 उद्ग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। अनुच्छेद 270 ए कर्मशः अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद 269 में निर्दिष्ट शुल्कों और करों के सिवाय संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क अनुच्छेद 271 में निर्दिष्ट करों और शुल्कों पर अधिभार और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निर्दिष्ट परियोजनों के लिए उद्ग्रहित कोई उपकार भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाएंगे तथा खंड 2 में उपबंधित रीति से संघ और राज्यों के बीच वितरण किए जाएंगे। 2 किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे कर या शुल्क के शुद्ध आगमों का ऐसा प्रतिशत जो विहित किए जाए भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगा किंतु उन राज्यों को सौंप दिया जाएगा जिनके भीतर वह कर या शुल्क उस वर्ष में उद्ग्रहणीय हैं और ऐसे रीति से और ऐसे समय से जो खंड 3 में उपबंधित रीति से विहित किया जाए उन राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा। 3 इस अनुच्छेद में विहित से अभिप्रेत है। 1 जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित और 2 वित्त आयोग का गठन किए जाने के पश्चात वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित। अनुच्छेद 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के परियोजनों के लिए अधिभार। अनुच्छेद 271 अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 270 में किसी बात के होते हुए भी संसद उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में से किसी में किसी भी समय संघ के परियोजनों के लिए अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी और किसी ऐसे अधिभार को संपूर्ण अधिभार के संपूर्ण आगम भारत की संचित निधि के भाग होंगे। अनुच्छेद 272 कर जो संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे संविधान 19वां संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया।